नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और होली की आप सभी देशवासियों को काफी रंग बिरंगी शुभकामनाएं। आप सबके लिए होली काफी शुभ हो। और देखिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से वॉर की, तो जरा बिग वॉल पर चलते हैं और बात करते हैं अग्निबाढ़ की। जी हाँ, अड़ी में आज हम बात कर रहे हैं उस अग्निबाढ़ की जिसकी वजह से खतरे में हजारों प्राण हैं। क्यों, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। वॉर जोन से कुछ जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो देखिए आप। यूक्रेन के जंगी मैदान से रूसी अटैक का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हरिकेन से ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। रशियन आर्मी ने बैक टू बैक दागे हैं कई रॉकेट। तो कई दफा रूस की तरफ से यह धमकी सामने आ चुकी है कि वो युद्ध में टैक्टिकल न्यूक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। एटमी हमला करने वाली RS-28 सरमत मिसाइल से यूक्रेन और नेटो देशों में कोहराम मचा सकता है। ऐसा नहीं कि पुतिन की वार्निंग सिर्फ जुबानी थी, बल्कि रूसी डिफेंस ने सरमत मिसाइल को सरहदी इलाकों में तैनात भी किया। जानते हैं क्यों। दरअसल RS-28 सरमत दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मगर अब महाशक्ति अमेरिका ने धरती की सबसे विनाशक मिसाइल के टेस्ट को करने का दावा किया है। और जानते हैं, इस विनाशक ब्रह्मास्त्र का एक एक प्रहार छोटे बड़े मुल्क ही नहीं बल्कि धरती के कई टुकड़े कर सकता है। आखिर कैसे, ये देखिए। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही महाशक्ति अमेरिका ने मिसाइल वर्ल्ड में अपनी धाक फिर से जमा ली है। इस अग्निबाण के परीक्षण के साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, भले ही कोई महाशक्ति होने का दावा करता है, भले ही कोई अपनी मिसाइलों के दम पर दुनिया तबाह करने की बात करता हो, मगर हकीकत में पूरी दुनिया को दहलाने वाली, दुनिया के कोने कोने में प्रचंड प्रहार करने वाली, एटमी कोहराम मचाने वाली अगर कोई मिसाइल है तो वो है LGM-35A सेंटिनल ICBM, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। परमाणु बम वर्षक, लड़ाकू विमान और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने वाली कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉरपोरेशन ने पहली बार फुल स्केल स्टैटिक मिसाइल टेस्ट फायर किया, वो भी टनल में। अमेरिकी डिफेंस कंपनी ने 2 मार्च को LGM-35A सेंटिनल ICBM का टेस्ट किया। सेंटिनल मिसाइल को उटा टेस्ट साइट रेंज से दागा गया। LGM-35A सेंटिनल जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है। सेंटिनल ICBM न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। फिलहाल अमेरिकी डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉरपोरेशन ने मिसाइल की रफ्तार और मारक क्षमता से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। मगर महाशक्ति अमेरिका के इस नए ब्रह्मास्त्र को लेकर दावा किया जा रहा है कि LGM-35A सेंटिनल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी। इस मिसाइल की मारक क्षमता रूसी RS-28 सरमत से ज्यादा होगी। ये मिसाइल अमेरिका की LGM-30 मिनटमैन 3 को रिप्लेस करेगी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रेसिडेंट बाइडेन अपने नए ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में उतारने वाले हैं? मिसाइलों के दम पर अमेरिका को आंख दिखाने वाले रूस को नए हथियार से टेरर में लाने वाले हैं? क्या अमेरिका का ये मिसाइल पावर रूस की स्टार्ट ट्रीटी तोड़ने का आफ्टर इफेक्ट है? दरअसल जिस तेजी के साथ अमेरिका ने नई जनरेशन वाली LGM-35A सेंटिनल ICBM का टेस्ट किया है, उससे यह साफ हो चुका है कि अब सुपर पावर अमेरिका अपने रौद्र रूप में आ चुका है। अब या तो पुतिन को बैकफुट पर आना होगा, अमेरिका के सामने सरेंडर करना होगा, वरना अगर महाशक्ति ने अपने किलर ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में झोंक दिया तो धरती पर महाविनाश होना तय है, भीषण तबाही मचना तय है, भयावह परमाणु बवंडर आना तय है। दरअसल ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बाइडेन की कीव विजिट के बाद पुतिन ने दुनिया की सबसे घातक मिसाइल को वॉर जोन में उतारने का ऐलान किया था और वो थी RS-28 सरमत मिसाइल। ये धरती फाड़ ब्रह्मास्त्र महाबली रूस का ऐसा सुपर वेपन है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को ही नहीं
बल्कि दुश्मन के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है, क्योंकि RS-28 सरमद एक सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र से दुनिया इसलिए भी कांपती है क्योंकि RS-28 सरमद सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के जरिए रूस किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तभी तो नेटो ने इस मिसाइल को सैटर्न नाम दिया है, यानी दैत्याकार शैतान। एंग्री पुतिन के मिसाइल पावर से टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पुतिन अपने इस परमाणु अग्निबाण को नहीं दाग सकते। और सबसे अहम बात ये भी है कि सैटर्न मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मो न्यूक्लियर बम या फिर 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ ले जा सकती है। इसका एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि इसके एक वार से पूरा फ्रांस राख में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन और यूरोप के बाकी मुल्कों की तो इसके सामने कोई बिसात ही नहीं है। और हाँ, सबसे अहम ये कि इस मिसाइल के जरिए रूस अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी मिलिट्री बेस या फिर किसी भी एयरबेस को निशाना बना सकता है। सरमद के जवाब में अमेरिका ने LGM मिनटमैन 3 को वॉर जोन में झोंक रखा था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है हिट एंड डिस्ट्रॉय, यानी हमला करो और तबाह कर दो। लेकिन जिस अंदाज में पुतिन के RS-28 फैक्टर के जवाब में बाइडेन ने LGM-35A सेंटिनल ICBM का चैप्टर खोला है, जिस तरह न्यूक्लियर वॉर के नए ब्रह्मास्त्र को धार दी है, उससे साफ हो चुका है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। क्योंकि अगर दो महाशक्तियों में एटमी वेपन्स से आर पार हुई, अगर इसी युद्ध नीति पर तकरार हुई, तो साल 2023 में परमाणु तबाही बेहद भयानक और भयावह होगा।